हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश पाटिल। वेलकम टू मैथ्स क्रिएटर। जैसा कि हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था। आज हम सेकंड एग्जांपल लेकर आए हैं। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन टू एक्स। तो अभी हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार हमारा वर्किंग रूल, जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया था, ठीक है, उसी प्रकार हम अभी इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको सिंबोलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। देन फर्स्ट फॉर्म, इसका पहले सिंबोलिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया है हमें, जो दिया है वो लिखेंगे पहले में, ठीक है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर में टू है, तो हमारा कैसे लिखेंगे हम इसको सिंबोलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो क्या आएगा, डी का स्क्वायर, क्या आएगा, डी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, फोर है, क्या है, फोर है, तो फोर को किस तरह लिख सकता हूँ, टू का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं। और इधर दोनों में क्या है, वाई कॉमन है, तो वाई को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इधर क्या है स्टूडेंट्स, टेन टू एक्स, ठीक है। वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलूँगा मैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमें पता है जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, यम, तो क्या होगा, यम स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगा ना, ठीक है, ये तो इसको लिखने का टाइप कैसा होगा हमारा, यम प्लस टू आयोटा, और दूसरा क्या होगा, यम माइनस टू आयोटा, ठीक है, इजिकल टू में क्या आ जाएगा, इधर जीरो, ठीक है। अभी यहाँ से हमारे फैक्टर गिर गए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस का टू आयोटा, उधर जाके क्या कहूँगा, माइनस का, ठीक है। तो क्या होगा, यम इजिकल टू क्या मिलेगा, माइनस का टू आयोटा, और दूसरा क्या मिलेगा, यम इजिकल टू क्या मिलेगा, माइनस का टू आयोटा, उधर जाके क्या कहूँगा, प्लस का, प्लस का टू आयोटा, तो माइनस टू आयोटा और प्लस टू आयोटा, दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिला हमें, यम इजिकल टू प्लस और माइनस टू आयोटा, एक बार प्लस में मिला, एक बार माइनस में मिला। तो इसको अभी हमारा एक कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, तो इसको पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जीरो प्लस और माइनस टू आयोटा, ठीक है, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे हम, अभी हमें सी एफ निकाला है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं कंपेयर कर लूँगा इसके साथ, अल्फा प्लस और माइनस बीटा आयोटा के साथ, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारे कौन से रूट हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स, कौन से रूट हो गए हमारे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे कौन से रूट हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स। नाउ अभी हम क्या निकालेंगे, सी एफ, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू, जब कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं हमारे, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स रूट अगर आते हैं तो कैसे निकालते हैं हम, ई रेस टू अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ठीक है, इस प्रकार निकाल। तो ये आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ई रेस टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, जीरो, तो ई रेस टू जीरो एक्स बराबर, ठीक है, सी वन कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, कंपेयर करो इसके साथ, तो कितनी है, टू, 2x प्लस c2 साइन बीटा की वैल्यू अगेन क्या है, 2x, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा कम्प्लीट। और e रेस टू, कोई भी नंबर की पावर में, कोई भी एनी रियल नंबर पावर जीरो ऑलवेज क्या हो जाता है, 1, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं हमें। सो देयरफॉर फाइनली हमारा जो सी एफ होगा क्या मिलेगा, c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x, ठीक है। तो अभी तुमको वर्किंग रूल बताया था मैंने, सी एफ निकलने के बाद हमारे क्या हो जाते हैं, जो C1 और C2 के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, Y1 और Y2, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर्स की मैं लिंक डालूंगा यहाँ पे आई टेब में, तुमने देख लेना मैंने कैसे वर्किंग रूल बताया था। तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे, Y1, और इसको क्या मान लेंगे हम, Y2, ठीक है। अभी यहाँ से हम, हमारा Y1 और Y2 निकल गया, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, रॉन्सकीयन निकालते, क्या निकालते हैं, रॉन्सकीयन, रॉन्सकीयन मतलब रॉन्सकीयन डिटरमिनेंट, W, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, W से, ठीक है। तो रॉन्सकीयन
रॉन्सकियन W क्या निकालते हैं हम W, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं हम y1 डैश और इधर क्या करते हैं हम y2 डैश, ठीक है। हमें W की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो ये आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो W निकलेगा क्या निकलेगा, y1 है, y1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, cos 2x, क्या है cos 2x, ठीक है। और y2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, y2 sin 2x, ठीक है। अभी यहाँ पे y1 डैश है नीचे, तो cos 2x का डेरिवेटिव लो, तो cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा स्टूडेंट्स, sin 2x, और इस 2x का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो कितना होगा 2x का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, नहीं cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin 2x होता है, ठीक है। तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, काय का साइन आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। sin 2x का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 2x ही होगा, और इस 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, ठीक है। cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन x होता है ना, इसीलिए माइनस साइन 2x, इसलिए माइनस का साइन आगे लगा लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम इस डिटरमिनेंट को अभी सॉल्व कर लेंगे। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनली ध्यान से देखो, 2 cos 2x इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ, तो कितना होगा 2 टाइम cos cos 2x cos 2x मतलब cos स्क्वायर 2x, ठीक है। अभी माइनस, तो माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस करते हैं डिटरमिनेंट में, तो कितना होगा 2 टाइम्स sin स्क्वायर 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन 2 आ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, आइडेंटिटी बना रहे हैं, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आंसर ध्यान से देखो, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x कितना हो गया हमारा 1, कितना हो जाता है हमारे 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, ठीक है। तो हमारे पास रॉन्सकियन जो मिलेगा, जो W मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे 2 इंटू 1, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो हमारा रॉन्सकियन जो W मिला हमें क्या मिल गया 2, ठीक है। फाइनली हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखो क्या किया था, ये हमारा एग्जांपल था ना, इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं कैपिटल एक्स, ठीक है, ये ध्यान में रखने का, ठीक है, जो राइट साइड होती है, ठीक है, फॉर्मूले में हमें लगता है, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है स्टूडेंट, देखो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था ए वाला फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से अभी सभी इस फार्मूले की हेल्प से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, अभी हम इस फार्मूले की हेल्प से पी आई फाइंड करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इस फार्मूले का अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो फार्मूला क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या फाइंड करेंगे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन देखो नाउ वी हैव पी आर, पी आई के लिए कैसे करने के थे हम फार्मूला, हमारे पास क्या फार्मूला था, वो पहले में क्या लिखते हैं हम स्टूडेंट्स, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले में क्या लग करते हैं हम, माइनस का वाई वन इंटीग्रेशन, इधर वाई वन रहता है तो इधर क्या लिखते हैं हम वाई टू, और नीचे क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम डब्लू, ठीक है, इन टू इधर क्या करते हैं हम एक्स, और इधर क्या हो जाता है हमारा डी एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस का है तो इधर क्या क्या करते हैं हम, इधर प्लस कर देते हैं, और वाई वन की जगह क्या लगा देते हैं हम स्टूडेंट्स वाई टू, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन, अभी वाई टू, वाई टू यहाँ पे, तो वाई टू की जगह क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वाई वन, ठीक है, और यहाँ पे नीचे वैसा कि वैसा डब्लू, और ये हमारा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी फाइनली हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, अभी हमारी फाइनल वैल्यू पुट करते जाएंगे हम। तो स्टूडेंट्स अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे वाई वन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, याद है क्या तुमको, वाई वन की वैल्यू, हमारी वाई वन की वैल्यू ये थी,
कॉस 2x, ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी साइन 2x, तो वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इजिकल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं हम, तो माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी कॉस 2x, तो कॉस 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन y2 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, y2 की वैल्यू थी, y2 की वैल्यू थी साइन 2x, ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन 2x भी लिख दिया, w तो अभी निकाला हमने, w रॉन्सकियन कितना था 2, और x बोला मैंने जो राइट साइड होती है हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको क्या बोलते हैं हम x, तो tan 2x का हमारा x है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, इधर क्या हो जाएगा फिर tan 2x into dx, ठीक है, यह आ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, प्लस भी यहाँ पे क्या है प्लस, अभी इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखता, नीचे लिख लेता, y2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, y2 की वैल्यू कितनी थी sin 2x, ठीक है, तो उसको वापस लिख देता हूँ sin 2x, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, ये पार्ट नीचे sin 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन में y1 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स cos 2x, कितनी थी cos 2x, ठीक है, अपॉन w कितना था हमारा 2, ठीक है, और x कितना था अभी निकाला था हमने tan 2x, और ये हमारा dx वैसा की वैसा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो चुका है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है, अभी कैसे करेंगे हम इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो माइनस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम अच्छे तरीके से, तो इधर क्या है साइन 2x है, क्या है साइन 2x, अभी इस 2 को बाहर निकालूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, अभी tan 2x को किस प्रकार लिख सकता हूं मैं, tan को sin अपॉन cos होता है, तो क्या होगा sin 2x अपॉन cos 2x लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू इधर क्या होगा dx प्लस ए प्लस, अभी इधर देखो इधर ये क्या है हमारा sin 2x है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी ध्यान से देखो इस 2 को भी बाहर निकाल लेता हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन से, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, क्या बच जाएगा cos 2x, और tan 2x को वापस वैसे लिखूंगा मैं, तो क्या होगा cos 2x, ठीक है, और tan 2x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इंटू tan 2x को कैसे लिख सकता हूँ sin 2x अपॉन cos 2x, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू dx इधर बाहर dx, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो जो कटिंग आओ उसको काट देंगे हम, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो cos 2x है, यहाँ पे क्या है sin 2x into sin 2x, कितने हो गए sin square 2x हो गया, क्या हो गया sin square 2x हो गया, ठीक है, अभी ध्यान से देखो minus cos 2x upon 2 वैसा कि वैसा, इंटीग्रेशन में sin into sin कितना हो गया sin square 2x, ठीक है, sin square 2x अपॉन में क्या बचा हमारा cos 2x into dx plus sin 2x upon 2 वैसा की वैसा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ध्यान से देखो, एक cos 2x से एक cos 2x गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या इधर, क्या बच जाएगा सिर्फ, क्या बच जाएगा sin 2x into dx, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आराम से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, अब इंटीग्रेशन में साइन स्क्वेयर 2x है, तो हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन में साइन स्क्वेयर x को कैसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वेयर x, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 2x, 2x है तो 2x, ठीक है, साइन स्क्वेयर 2x को इस प्रकार लिख सकते हैं अपॉन में कॉस 2x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें लेते नहीं आता, इसलिए हमने ऐसे इसको अप्लाई किया, ठीक है, इनटू dx प्लस, अब ये साइन 2x वैसा कि वैसा अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन पता है ना हमें स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x, कितना होता है माइनस cos x, लेकिन यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रेशन है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस का cos 2x तो होगा ही, इस 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, वो नीचे आ जाता है डिवाइडेड में, ठीक है, इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा माइनस का cos
2x वैसा कि वैसा अपॉन में 2 वैसा कि वैसा। अभी 1 के नीचे मैं क्या कर दूंगा, 1 अपॉन cos 2x, ठीक है। मैं अभी इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, इसको क्या करूंगा ब्रैकेट में लिखूंगा 1 अपॉन cos 2x। 1 अपॉन cos कितना होता है sec, 1 अपॉन cos कितना होता है sec, तो कितना होगा sec 2x, ठीक है sec 2x, ठीक है। अभी ये माइनस का साइन है, मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूं, अभी माइनस का साइन है। अभी cos 2x है और यहां पे कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार तो कैंसिल हो गया ना, नीचे का क्या होगा कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन में कितना बचा, एक ही बार cos 2x बच गया, एक ही बार cos 2x बच गया, ठीक है, इनटू dx, ठीक है। इधर भी मैं dx लगा देता हूं, dx लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये प्रोसेस की 1 upon cos 2x, ठीक है, 1 upon cos 2x कितना होता है sec 2x, 1 upon cos 2x, फिर ये माइनस एक cos square का 2x है, एक cos square का 2x और अपॉन में cos 2x है, एक cos square 2x है, मतलब एक cos 2x गेट कैंसिल, ठीक है, यहां से नीचे से ये कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर सिर्फ एक ही cos 2x बचा ना, तो वही लिखा है मैंने इंटीग्रेशन, ठीक है। इतनी प्रोसेस हो चुकी है। अभी माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को आगे निकाल लो, तो अभी नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो 2 into 2 कितना होगा 4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा sin 2x into cos 2x अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमें यहां पे इंटीग्रेशन सही लेना है, ठीक है। जो माइनस का cos 2x अपॉन यहां पे क्या होगा 2 वैसा कि वैसा, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन यहां पे हमें सही लेना है, ये ब्रैकेट था स्टूडेंट्स, ये वाला ब्रैकेट क्लोज था, ये इसके लिए था सिर्फ, ठीक है, ये इसके लिए था, और ये प्लस, अभी माइनस प्लस क्या हो गया था माइनस हो गया था, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, sec 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ x कितना होता है, sec ऑफ x कितना होता है log ऑफ sec x plus tan x इतना होता है, ठीक है। पर अभी इंटीग्रेशन में वहां पे क्या आ गया है sec ऑफ 2x आ गया है, तो क्या होगा log ऑफ sec ऑफ 2x plus tan ऑफ 2x तो होगा ही, बट इस 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो वो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार उसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के फार्मूले के हिसाब से हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, log of कितना होगा sec of 2x plus tan of 2x, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएंगे, इसके डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अभी क्या है माइनस, क्या है माइनस, ठीक है, क्या है माइनस, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x, अपॉन में क्या आ जाएगा उसका भी 2 आ जाएगा, तो कितना होगा sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो वो नीचे डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x, और इस 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2x का, अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ता ना, वो नीचे लेना पड़ता है, तो वो 2 आ गया नीचे, ठीक है। इस प्रकार यहां तक कंप्लीट हो गया, और ये माइनस माइनस ये कितना है माइनस sin 2x into cos 2x अपॉन में क्या है 4, ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या होगा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये पूरे ब्रैकेट के साथ, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नहीं तो एक काम करो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों को क्या निकाल लो कॉमन निकाल लो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, एक तो फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा माइनस का cos 2x अपॉन में ये 2 into 2 कितना हो गया 4, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो कितना होगा log of कितना है log of sec 2x plus tan 2x, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अभी माइनस माइनस क्या हो रहा है माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, क्या हो रहा है प्लस, प्लस में अभी ये कितना होगा cos 2x into sin 2x कितना होगा, अगेन इसको मैं साइन को आगे लिख लेता हूं, ठीक है, तो sin 2x into cos 2x, ठीक है, sin 2x into cos 2x, ठीक है, मैंने पहले में साइन लिखना माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 into 2 कितना हो गया नीचे डिवाइडेड में कितना हो गया 4, ठीक है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ए माइनस ए वाली टर्म लिखनी बाकी है, तो माइनस sin 2x into cos 2x अपॉन में क्या होगा स्टूडेंट्स अपॉन में क्या होगा 4। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, प्लस और ये दोनों सेम दिख रहे हैं,
ठीक है, ए प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, दोनों क्या हो गए कैंसल, क्या हो गया दोनों कैंसल, तो बचेगा सिर्फ क्या हमारा इतना ही बच जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, देन फाइनली, ठीक है, तो देन फाइनली मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखूंगा, सो देयर फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या बचेगा हमारा इतना ही बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा माइनस का 1/4 को लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, कॉस 2x इंटू लॉग ऑफ सेक 2x प्लस टेन 2x, ठीक है, ये हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, सिर्फ ये हमारा क्या निकला पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयरफॉर हमारा जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन इज क्या लिखते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, सी एफ क्या निकाला था स्टूडेंट हमने, सी एफ हमने निकाला था ए वाला सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, तो लिखो, सो देयर फॉर फाइनली y इज इक्वल टू सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, ठीक है, और अभी प्लस पी आई कितना है ए वाले, तो माइनस का है इसलिए माइनस लगा दिया, तो क्या होगा 1/4 कॉस टू एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ कितना है सेक टू एक्स प्लस टेन टू एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो आगे और भी अच्छे एग्जांपल आएंगे, तो तुमको वर्किंग रूल पता चल गया होगा, अभी हमारा ये सेकंड एग्जांपल था किस प्रकार हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है इंटीग्रेशन लेना सही, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम उसको सही लेने की कोशिश करना, ठीक है, जो हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो हमारा सही निकालने के बाद, जैसे ये प्रोसेस अप्लाई की हमने यार, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो प्रोसेस होती है ये इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करने का है, इसलिए यहाँ पे हमने सब एडजस्टमेंट की है, तो इसको सही लेने की कोशिश करना, ठीक है, इस प्रकार हमारा ये एग्जांपल ख़त्म हुआ। तो हमारी वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो, इसी तरह बने रहो, लगे रहो, थैंक यू, धन्यवाद।